एणिकी बंद हेब सोशल मीडिया एवं ओटीटी प्लाटफर्म रो अपव्यवहार। डिजिटल मीडिया ओटीटी एवं सोशल मीडिया पाई जारी हला गाइडलाइन। सरकार को गठनमूलक समालोचना स्वागत योग्य, मात्र अपप्रचार को दियाजिबनी प्रश्रय। गुरुवार दिन केन्द्र सरकार तरफ जारी होईची सोशल मीडिया ओटीटी एवं विभिन्न डिजिटल मीडिया को नियंत्रण करिबा पाई गाइडलाइन। एहा द्वारा एणिकी एहार अपव्यवहार को रोकाजिबा बाबदरे नियाजिबा पदक्षेप। केन्द्र मंत्री रविशंकर प्रसाद एवं प्रकाश जावेदकर तरफ समस्त सोशल मीडिया एवं अन्य डिजिटल मीडिया प्लाटफर्म को भारत में व्यवसाय चलाइबा पाई स्वागत कराजिबा सहित भारतर लोकमानंकु सशक्त करिबारे ए सबुर गुरुत्वपूर्ण भूमिका को प्रशंसा करा जायछि। तेबे एहार अपव्यवहार को रोकिबा दिगरे सरकार को अभिमुख्य को स्पष्ट करा जायछि। First lay down the ground rule very clearly. Social media is welcome to do business in India. They have done exceedingly well. They have got good business. They have got good number of users. And they have also empowered ordinary Indians. इसकी हम तारीफ करते हैं। व्यापार करें, पैसे कमाएं और सोशल मीडिया पर ऑर्डिनरी इंडियंस को आप मजबूत करें, आपका स्वागत है। जारी होइतिबा नुआ गाइडलाइन अनुसारे एणिकी एक त्रिस्तरीय अभियोग निवारण व्यवस्था स्थापन करा जिवो, जेउतिरे दुईटी स्तररे संपृक्त संस्था को आत्मनियंत्रण पाई सुजोग दिया जिवो। सरकार को विभाग केवल तृतीय स्तर रे हस्तक्षेप करि परिबे। विषयवस्तु बाबदरे समीक्षा पाई ओवर द टॉप बा ओटीटी प्लेटफार्म गुडिक विभिन्न स्तर रे तीन जना अधिकारी नियुक्त करिबे। तबे डिजिटल संस्था गुडिक निजर जे नियंत्रण व्यवस्था सृष्टि करिबे सेतिरे सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट रो अवसर प्राप्त जज किंबा निर्दिष्ट विषयवस्तु उपरे दक्ष थिबा व्यक्तिंकु परामर्शदाता भाबरे नियुक्त करिबे। ओटीटी प्लाटफर्म रे जेउ विषयवस्तु रहिबो सेगुडीकु दर्शकंक बयस अनुसारे विभिन्न विभागरे विभक्त करा जिवो। वयस्कंक पई उद्दिष्ट विषयवस्तुकु जेपरि शिशु माने देखि न पारिबे सेति पई पैरेंटल लॉक व्यवस्था करिबाकु निर्देश रहिछि। ओटीटी प्लेटफॉर्म में एक और है कि अभी सेंसर बोर्ड होता है फिल्म वालों को, लेकिन ओटीटी को सेंसर बोर्ड नहीं है। तो हमने कहा है सेल्फ क्लासिफिकेशन ऑफ एज रिलेटेड इश्यूज टू बी सॉल्व एंड उसका एक प्रोसेस हो कि 13 से ऊपर 13 प्लस 16 प्लस एंड ए कैटेगरी देयर हैज टू बी ए मैकेनिज्म ऑफ पेरेंटल लॉक एंड इंश्योरिंग कंप्लायंस दैट चिल्ड्रन डोंट सी दैट। सेपरि ट्विटर भली सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म रे कोनोसी विवादीय एवं आपत्तिजनक पोस्ट जदि तदंत परिसर को आसे तेबे सरकार किंबा कोर्ट को आदेश अनुजाई सेई प्लेटफॉर्म पोस्ट रो मूल सृष्टिकर्ता को विषय रे तथ्य जणाइबा को बाध्य हेबे। एक सवाल आता है फर्स्ट ओरिजिनेटर का, खुराफात हुई बट हु वाज द क्रिएटर, हु वाज द फर्स्ट क्रिएटर ऑफ द मिसचीफ। बार बार चीजें रीट्वीट पर ट्वीट होनी शुरू होती हैं, कई बार महम शुरू हो जाता है ऑन व्हाट्सएप मॉब लिंचिंग में, तो फर्स्ट ओरिजिनेटर कौन है इसके बारे में बताना पड़ेगा। केवल सेती की नुए एणी की समस्त सोशल मीडिया पर दुई प्रकार इंटरमीडियरी बा मध्यस्थी व्यवस्था रहिबो जहां अभियोग निवारण पर कार्य करिबो। संस्था तरफ अभियोग सुनाणी पर जणे अधिकारी नियुक्त हेबे जिए अभियोगर समाधान करिबे। ए संपर्क रे संपृक्त संस्था मासिक विवरणी प्रकाश करिबो। तबे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एथि पई जेउ व्यक्ति को नियुक्त देबो सेमाने भारतीय होइतिबा आवश्यक एवं सेमानकर समस्त विवरणी संस्थार एप्स वेबसाइट इत्यादि रे प्रकाशित हेबो। हु शल परफॉर्म द ग्रीवांस रिड्रेसल मैकेनिज्म एज आई इंडिकेटेड and next is you must publish a monthly compliance report ki aapke paas kitne complaints aaye
आपने उन पर क्या कार्रवाई किया और क्या रेट रसल किया। देयरफॉर जस्ट टू कॉन्क्रीटाइज, वी आर एम्पावरिंग द ऑर्डिनरी यूजर्स ऑफ सोशल मीडिया एंड अदर इंटरमीडिएट्स। ए सब गाइडलाइन को लागू करबा पई 3 मास समय सीमा दिया जाय थिबार जणा पड़ी छि। ब्यूरो रिपोर्ट, अर्गस न्यूज़।